तो आज अंकिता रो रही थी तो उसके लिए फेक डेट प्लान बनाया। जब मम्मी को मिले तो ये बहुत शरीफ बिहेव करने लगी। फिर हम घर से निकले और पहुंच गए पले डेम मॉल, जहाँ पे पहुंचते हमको एक मिल गई क्यूट सब्सक्राइबर। पर मॉल के अंदर देखा तो भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी, दिमाग खराब हो गया। पर आज स्पेशल क्या है बस पूछे जा रही थी। हम एक नए रेस्टोरेंट में पहुंचे जिसका नाम है इशारा। रेस्टोरेंट के अंदर का एम्बियंस बहुत बढ़िया था। यहाँ पे सारा ऑर्डर साइन लैंग्वेज से करना पड़ता, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेन्यू में एक चीज पढ़ के शौक लगा जो कि था बटर मिल्क पानी पूरी। मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, और ये तो पूरा ही मेन्यू में घुसी हुई थी। मैंने फाइनली सारा का सारा ऑर्डर इशारों से किया। बटर मिल्क पानी पूरी आ चुकी थी जो कि पहले अंकिता ने ट्राई की, उसको बहुत ही अच्छी लगी। मुझे अभी भी डाउट था, फिर मैंने भी ट्राई की, पर मुझे भी एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी। फिर हमारा ब्रोकली सूप आ चुका था जो कि बहुत यमी था। मेन कोर्स में हमने मंगाया था कश्मीरी दम आलू और नान, जो कि हमको वाओ नहीं बुरा नहीं ओके लगा। बाहर हमको हमारे क्यूट सब्सक्राइबर्स मिले। फिर इसको सेल्फ सर्विस वाला योगर्ट खाना था जो इस बार मैंने खुद बनाया। पर ये पूरे मॉल में मुझे चलते फिरते हर जगह पे जबरदस्ती खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे इसको ढूंढना पड़ा क्योंकि ये खो गई थी। फाइनली जब मिली मैंने उसको बहुत डांटा। मुझे एक्चुअली में बहुत गुस्सा आया था, पर ये मना रही थी कि इरिटेट कर रही थी, समझ में नहीं आया। ये वाला कपड़ा अंकिता को अच्छा लगे पर उसने लिया नहीं क्योंकि उसको महंगे लग रहे थे। मॉल के बाहर निकले तो आप लोगों के लिए दिखा लॉट्स ऑफ लव। फाइनली वैले से हमारी गाड़ी आ गई, हम लोग पहुंचे मैक्सन, जहां पे हमको और सब्सक्राइबर्स मिले। इसके आगे क्या हुआ पिन कमेंट चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना।